सामईन ग्रामी, एक तो खुद कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि मैं हिदायत भी करता हूं और मैं गुमराह भी करता हूं। अब बड़ी तवज्जो, जिल्लो बही कसीरम व यहदी बही कसीरा। इस कुरान से बड़े लोग गुमराह हो गए और बड़े लोगों ने हिदायत पा ली। अब दवा एक है और इसके नतीजे दो हैं। ये नतीजे दो क्यों हैं? मा हुवा शफाउन व रहमतम लिल मोमिनीन। कुरान कहता है मैं शफा हूं, मैं रहमत हूं, लेकिन मोमिनीन के लिए। अली को छोड़ने का पहला नुकसान यह है कि कुरान से फायदा नहीं होता। तो जरा अगर किसी ने मेरे मौला अली को छोड़ दिया, उसका एक नुकसान मिन जुमला नुकसानात में से यह भी है कि कुरान फायदा नहीं देता। तलावत सवाब नहीं रहती बल्कि अजाब बन जाती है। इसलिए जब एक जंग में मेरे मौला के दुश्मनों ने अली के जुल्फिकार से बचने के लिए कुरान की तलावत शुरू की, तो अली के कुछ खुद सादा साथी उन्होंने भी तलवार रोक ली। कह लगे ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, हम इसमें हमला कैसे करें? और उस वक्त आरिफ अली ने, अली की मारिफत रखने वाले ने, माले के उस्तर ने आवाज देकर यह फिक्रा कहा, इधर आओ, कुरान नातिक अली है। आले मोहम्मद आपको सलाम। कुरान नातिक अली है। और जब ये मामला मौला अली के सामने पहुंचा कि मौला कुरान पढ़ रहे थे और मालिक कहता था हमला करो, तो फरमाया मालिक ठीक था, कुरान उनके हल्क में फंसा हुआ था। अब आप जरा तवज्जो फरमाएंगे तो मैं ये फिक्रे अर्ज करने की खुदा से तौफीक मांगता हूं। कुरान इनके हल्क में फंसा हुआ, पता चला कुरान हल्क में भी फंसता है। अली फरमाते कुरान इनके हल्क में फंसा हुआ है, दिलों में नहीं उतरा। अब दो तरह के कारी अजरूए फरमाने अली याद रखना, एक वो कि जो कुरान पढ़ेंगे यहां फंस जाएगा, दूसरे वो जो कुरान पढ़ेंगे और दिल में उतर जाएगा। ये कुरान किसके दिल में उतरता है? आइए मैं रसूल से पूछता हूं। फरमा अल कुरान मा अली व अलीयन मा अल कुरान। कुरान गले से देखता है कि दिल में अली है कि नहीं है। सलामत रहो, अली अकबर का सदका बजा जा। कुरान हल्क से दिल में देखता कि दिल में अली है कि नहीं। अगर दिल में अली हो तो कुरान उतर जाता है, क्योंकि कुरान वहां होगा जहां अली हो, अली वहां होगा जहां कुरान हो। बस एक फैसला गैरत की अदालत से मुझे दे देना कि जब कुरान अली के बगैर नहीं होता तो नमाज अली के बगैर कैसे हो जाती? तो जो है कुरान तो वहां होता ही नहीं जहां अली ना हो, तब नमाज में कुरान पढ़ते हो कि नहीं? अगर किसी की नमाज में मेरा मौला ही ना हो तो वहां तो कुरान ही नहीं आएगा। जब कुरान नहीं आएगा तो नमाज कैसी होगी? इब्तदा बिस्मिल्लाह से बे से शुरू हुआ, खत्म होता है सीन पर, बे और सीन बस। बे और सीन बस, ये कुरान है और इसी पर हमारा ईमान है। बे से शुरू हुआ, सीन पे खत्म हुआ, बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ, वन्नास पे खत्म हुआ। और ये वन्नास क्या है? अहले सुन्नत भाइयों की किताबों की जमानत से कहता हूं, हसन हुसैन का तावीज। कौल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कौल आऊज़ु बिरब्बिन नास,
इन दोनों के लिए सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हसन हुसैन मस्जिद नबी के सहन में खेल रहे थे, किसी बद नजरे की नजर न लग जाए, आसमान से जिब्राइल नाजिल हुआ, इन दोनों सूरतों को पैगंबर की खिदमत में पेश किया और अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कह रहा है एक हसन के गले में डाल लें, दूसरी हुसैन के गले में डाल लें, ताकि किसी बद नजरे की नजर ना लग सके। और मुसलमानों ने बरकत के तौर पर इन सूरतों को कुरान के आखिर में लिखना शुरू कर दिया। मुसलमान में ये फिक्रे किसके हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के, जो रिकॉर्ड कर रहा है करे, जिसने लिखना है लिखे, जिसने कुरान के हाशिए में लिखवाना हो लिखवाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल फरमाते हैं मुसलमानों ने बरकत के तौर पर हसन हुसैन के तावीजों को कुरान के आखिर में लिखना शुरू कर दिया। पता चला यासीन थी कुरान में, बरकत नहीं आई, अलहमद थी कुरान में, बरकत नहीं आई, ताहा थी कुरान में, बरकत नहीं आई, मुजम्मल थी कुरान में, बरकत नहीं आई। बरकत कब आई? जब हसन का तावीज आ गया, हुसैन का तावीज आ गया, शुरू हुआ बिस्मिल्लाह से और बे का नुक्ता है अली, खत्म हुआ वन्नाश में, वो तावीज है हुसैन का। तो कुरान का कमाल और मौजजा ये है कि बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटों के बगैर खत्म नहीं होता। आले मोहम्मद कुरान वो मासूम किताब, कुरान वो तैयब किताब, कुरान वो मुबारक किताब, बाप के बगैर शुरू नहीं होता, बेटों के बगैर खत्म नहीं होता। शुरू अली के नाम से, खत्म हसनैन के तावीज पर। और इसके लिए मेरे बादशाह का फरमान कि ये अली के दुश्मन के हाथों में आकर अपना मानी छुपा लेता। अली के दुश्मनों के हाथ में कुरान अपना मानी छुपा लेता, अली के दोस्तों के सामने अपने मानी उगल देता। हजारों वाक्यात हैं, एक पढ़ता हूं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। दो औरतों में लड़ाई हो गई और लड़ाई हुई उनकी बेटे पर। एक कमरे में दोनों के बच्चे पैदा हुए, एक का पैदा होने वाला बच्चा लड़का था, एक की लड़की थी। दोनों कहती थी कि लड़का मेरा। बेटी को कोई अपनी मानने पर तैयार न थी, दोनों कहती ये बेटा जो हुआ है ये मेरा। अदालत में मुकदमा चला गया, उन्होंने गवाह तलब किए, गवाह मौजूद न थे, फैसला करने वाला मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल कुशा इस्लाम दरबार खिलाफत में आया, वो जब कायनात का अजली मुश्किल कुशा है, दरबार में तशरीफ लाओ। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तो कोई मुश्किल मसला ही नहीं, वो दो शीशियां मंगवाई, दो शीशियां हम वजन बराबर, एक एक शीशी मेरे मौला ने दोनों को दे दी। फरमाया तू इस हुजरे में जाओ, दूसरी जगह तू इस हुजरे में। मौला क्या करें? फरमाया अपने दूध से इन शीशियों को फाड़ दो। आवाज ऊंची कर दे, दूध से इसकी इको जरा कम कर दें, फ्लैट कर दें, दूध से इन शीशियों को फाड़ दो। बंदे परेशान, वो दोनों अंदर गई, दूध फर के आ गई। अमीर अल मोमिनीन ने तराजू मंगवाया और दोनों के दूध को तोला, एक का वजन ज्यादा निकला, एक का कम। अली फरमाते बेटा इसका है, सलामत रहो, अल्लाह इन हाथों को आबाद उछाद रहे। वो हाथ कभी किसी कमीने के मोहताज न हो जो अली की हिमायत में बुलंद होते।
अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दूध का वजन ज्यादा है बेटा इसका है। औरतें मुतमईन हो गई, दरबार परेशान हो गया, क्योंकि उनको तो मालूम था कि अली का फैसला वाकई ठीक है। शर्मिंदा हो गई जिसकी बेटी थी, वो उठा के चली गई, दरबार परेशान, कह लगे या अली आपने ये फैसला कहां से कियो? अली फरमाते हैं कुरान से। इमाम हुसैन तारी जिंदगी करे, आपने ये फैसला कहां से किया? अली फरमाते कुरान से। इससे ज्यादा किसी ने पूछा नहीं, घर जाके कुरान खोल लिया। अगला दिन हुआ सारे इकट्ठे हुए सुबह की नमाज में, तुझे नजर आई है वो शीशियों वाली आयत? उसने कहा मैं खुद सारी रात ढूंढता रहा हूं, कुरान में पक्की बात है कि शीशियों वाली आयत नहीं है। उसने कहा मैं भी तेरी तस्दीक करूं। तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सारे इकट्ठे हुए, या अली आपसे हमने कभी झूठ नहीं सुना। अजब नहीं, मेरे मौला ने फरमाया मेरा तो मोमिन झूठ नहीं बोलता, मैं तो फिर अमीर अल मोमिनीन। सरकार झूठ कभी हुआ नहीं। कल आपने फरमाया आपने फैसला कुरान से किया, हमने पूरा कुरान पढ़ डाला, हमें शीशियों वाली आयत नजर नहीं है। अली फरमाते तुमने वो आयत नहीं पढ़ी कि मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना होता है? रहने वाले वो भी अरब थे, कुरान भी अरबी में आया था, समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अली के साथ है, उसे समझ आता है जो अली के साथ रहे। ताकत है तो अली के लिए खर्च करे, आवाज है तो अली के लिए खर्च करे, दौलत है तो अली के लिए खर्च करे, बोलना चाहता है तो अली के लिए बोले, सुनना चाहता है तो अली के लिए सुने, अली का हो के तो देख।